हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एकदम बेस्ट तरीका बताते हूँ मछली धोने के लिए कि ज़रा भी स्मेल नहीं आएगा, चाहे बर्तनों में, चाहे आपके घर में, चाहे कहीं पे भी लगेगा ही नहीं कि आपके घर पे मछली बना है। तो देखिए हम कैसे धोते हैं। तो ये हमारा 1 किलो मछली है और इसमें हम नॉर्मल आटा डालेंगे जो हम रोज़ घर पे यूज करते हैं, वो वाला आटा है 2 चम्मच। और 1 चम्मच ये नमक है जो हम डेली यूज करते हैं, काला नमक नहीं है, ये जो डेली यूज करते हैं वाला नमक है। और ये देखिए आधा नींबू है, 1 किलो में हम आधा नींबू डालेंगे। तो देखिए इसको हमको ऐसे ये सारा हमको मिक्स कर देना है। और ये नींबू है, इसमें निचोड़ देना है, ज़रा भी स्मेल नहीं आएगा और एकदम अच्छे से इसमें जितना रहेगा सारा निकल जाएगा। तो आपको ये तरीका किसी ने ही नहीं बताया होगा, ये एकदम नया तरीका है। इस तरीके से आप धो के देखिए, ये जितना है सारा इसमें से ऐसे निचोड़ लेंगे एकदम अच्छे से। और ये हाथों से इसको इसमें ऐसे ऐसे एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए एकदम अच्छे से करके कि सारे मछली में आटा लग जाए। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग बनाइए मछली, देखिए कितना अच्छा लगेगा धोने में भी और बनाने में भी, ज़रा भी स्मेल नहीं आएगा। अब इसको हमको 2 से 3 मिनट तक ढक के रख देना है। देखिए सब मछली में लग गई है ये आटा, तो हम 2 मिनट इसको ढक के रख देते हैं, उसके बाद से फिर धोते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये हो गया है धोने लायक। अब इसको हमको जो ये आटा लगा है इसको ऐसे करके जो इसमें ये रहता है, ये देखिए ये सारा हमको निकाल देना है। और हाथों से धीरे धीरे, ज़्यादा तेज नहीं, ऐसे ऐसे रगड़ना है, रगड़ के इसको साइड में रख देना है, तभी तो पता चलेगा वो धो आ गया है अच्छे से। ये देखिए ये जो आटा है ना, इसको अच्छे से इसमें ऐसे करना है, ज़रा भी स्मेल नहीं आएगा और ना पता चलेगा कि आपके घर पे मछली बना है। तो आपको सारा मछली आपको इस तरीके से साफ़ करना है, उसके बाद से पानी डाल के अच्छे से धो देना है। तो देखिए ये हमारा सारा मछली अच्छे से वो मसला गया है आटे के साथ। तो अब इसमें हम पानी डालने जा रहे हैं, पानी से धोने जा रहे हैं। कम से कम आप 3-4 बार पानी से धोइएगा एकदम अच्छे से। ये देखिए एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा, एकदम लाइट मारने लगेगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सारा इसमें का जो है गंदगी सारा निकल जा रहा है, स्मेल भी सारा ख़त्म हो गया है, ज़रा भी स्मेल नहीं आ रहा है। ये जो आटा लगा हुआ है हमको अच्छे से इसको ऐसे रगड़ के साफ़ कर देना है। तो देखिए ऐसे साफ़ कर करके दूसरे प्लेट में इसको रखना है। ये आटा ज़रा भी इसमें रहना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से आपको छुड़ा लेना है। तो देखिए मछली कितना अच्छा चमकने लगा है, अभी एक बार धोई हूँ तभी इतना लाइट मारने लगा, स्मेल तो ज़रा भी नहीं आ रहा है। तो देखिए दूसरे पानी से धो रही हूँ, अभी इसमें से आटा निकल ही रहा है। देखिए ये डालने से ज़रा भी टूट भी नहीं रहा है, बहुत मछली रहता है 2-3 बार धोने से टूटने लगता है, पर ये ना टूटेगा ना कुछ है, ये मेरा एकदम ताज़ा मछली है। तो आप चाहे तो इसको ठंडे पानी से धो सकती हैं और नहीं तो हल्का गुनगुना भी करके धो सकती हैं। तो मैं गुनगुने पानी से धो रही हूँ क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो इसलिए मैं गुनगुने पानी से धो रही हूँ। तो ये देखिए मछली कितना अच्छा चमकने लगा, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया धोने से, एकदम जैसे चांदी लग रहा है, चांदी के जैसा चमक रहा है। तो देखिए 3 बार धो ली हूँ, अब साफ़ होने वाला है, एक बार और धो लेती हूँ अच्छे से, एकदम साफ़ हो जाएगा। तो देखिए ये 4 बार धोई हूँ मैं, 4थे बार में एकदम साफ़ हो गया है। तो ये
ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर ऐसे एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, ज़रा भी स्मेल नहीं आ रहा है और एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा, ना बर्तन ना घर कहीं पे स्मेल नहीं आएगी और बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए कितना साफ़ हो गया है, आपको तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि कितना साफ़ लग रहा है देखने में, और इसके पहले कैसा इसका कलर था, धोने के बाद कैसा कलर आ गया है। तो अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।